हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में मोस्ट वेलकम है। स्टूडेंट, आज हम टंग को पढ़ेंगे और टंग का क्या फंक्शन है उसको जानेंगे। पहले हम जान लें कि टंग होता क्या है। टंग जो है एक फ्लैशी और मस्कुलर आर्गन होता है। फ्लैशी मतलब आसानी से मोड़ने वाला, और मस्कुलर आर्गन होता है और पाया कहाँ जाता है, माउथ के अंदर। इसका फॉरवर्ड जो पोर्शन है वो फ्री मूवेबल होता है, जबकि इसका बैकवर्ड जो पोर्शन है वो अटैच होता है फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, यानी कि माउथ कैविटी के अंदर। पीछे से ही अटैच होता है, लेकिन फ्रंट साइड इसका क्या होता है, फ्री होता है और ये आसानी से मूवेबल होता है। टंग का जो फंक्शन है वो ये है कि पहला जो फंक्शन है टंग का, मिक्सिंग करता है सलाइवा को फूड से, जब हम भोजन को चीव कर रहे होते हैं उस समय। टंग जो है कि हेल्प करता है भोजन को निगलने में, बकल कैविटी से फूड पाइप में निगलने में भोजन को टंग हेल्प करता है। टंग हेल्प करता है टेस्ट ऑफ फूड को आइडेंटिफाई करने में। टंग का इम्पोर्टेंट रोल्स है, और टंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है बातें करने में, स्पीक करने में, बातें करने में इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो आइए जानते हैं टंग का जो डिफरेंट पार्ट है, या टंग जो है कैसे टेस्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो चार टाइप के टेस्ट होते हैं, स्वीट, साल्टी, श्योर एंड बीटर्स। अगर शुगर सॉल्यूशन आप टेस्ट करें तो उसका स्वीट टेस्ट आएगा। अगर कॉमन साल्ट आप टेस्ट करें, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, तो साल्टी टेस्ट लगेगा उसका। लेमन जूस जो है वो शोर टेस्ट होगा, जबकि नीम की पत्ती या बीटर गार्ड जिसे करेला कहते हैं उसको अगर आप टेस्ट करें तो बीटर टेस्ट देगा। अब टेस्ट टंग कैसे आइडेंटिफाई करता है ये जान लेते हैं। तो टंग के पास डिफरेंट टेस्ट बर्ड होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। टंग के पास चार टेस्ट बर्ड होते हैं जो स्वीट, साल्टी, शोर और बीटर टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो टेस्ट बर्ड है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द टंग पर लोकेटेड होते हैं। इसलिए जो डिफरेंट टेस्ट बर्ड है वो हर टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अलग अलग टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, जैसे स्टूडेंट ये फिगर के थ्रू आइडेंटिफाई करिए। देखिए टंग का जो पोर्शन है बीटर टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। टंग का जो मिडिल पोर्शन है वो शोर टेस्ट को
आइडेंटिफाई करता है, जबकि जो फ्रंट है एकदम फ्रंट वाला वो स्वीट और उसके जस्ट पीछे वाला है वो साल्टी टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, कि जो मोस्ट ऑफ द फ्रंट टेस्ट बर्ड है वो स्वीट और साल्टी टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, जो मैक्सिमम स्वीट टेस्ट हैं वो टिप ऑफ द टंग पर पाए जाते हैं, यहाँ टिप ऑफ द टंग पर पाए जाते हैं, जबकि मैक्सिमम साल्टी टेस्ट जो है वो जस्ट बिहाइंड ऑफ द टिप यानी यहाँ पाए जाते हैं, जबकि जो साइड ऑफ द टंग है ये वाला और ये वाला इस यहाँ पर पाए जाते हैं शॉर्ट टेस्ट बर्ड्स जो खट्टी चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, और बैक साइड में यहाँ पे शॉर्ट बीटर टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। इन्हीं टेस्ट बर्डों की वजह से पर्सन जो है किसी भी फूड मटेरियल का फूड आइटम का टेस्ट आइडेंटिफाई करता है। कोई पर्सन आइस और आइसक्रीम में इन्हीं टेस्ट बर्ड की वजह से बिना देखे आइडेंटिफाई कर लेगा, क्योंकि जब वो आइस को अपने टंग पर रखेगा तो टेस्ट लिस्ट होगा, लेकिन वहीं अगर ये आइसक्रीम को अपने रखेगा तो उसका स्वीट टेस्ट देता है। तो टेस्ट के आधार पे हम फूड को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फूड कैसा है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल के वीडियो लेक्चर में कोई और टॉपिक हम कवर करेंगे।